नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस, विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्रीश्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट से, जिसका नाम। पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री गौतम देव की कोरोना वायरस के रिपोर्ट 5वीं बार पॉजिटिव। कोविड-19 पॉजिटिव होने के मद्देनजर गत 2 सप्ताह से भी अधिक समय से एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चिकित्साधीन पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री गौतम देव की कोविड-19 जांच रिपोर्ट 5वीं बार पॉजिटिव पाई गई है। इस बात की जानकारी मंत्री ने खुद अपने फेसबुक पेज के माध्यम से हॉस्पिटल के अपने कई फोटो के साथ सबसे साझा की है। उल्लेखनीय है कि मंत्री गौतम देव बीते 6 नवंबर से ही चिकित्साधीन है। उस दिन उनकी तबीयत खराब लगने के मद्देनजर बुखार की समस्या को लेकर वह खुद ही सिलीगुड़ी के निकट माटीगढ़ स्थित एक नर्सिंग होम में जांच हेतु गए थे, जहां रैपिड एंटीजन टेस्ट में वहां कोविड-19 पाए गए। उसके बाद मंत्री वहीं भर्ती हो गए। मिली जानकारी के अनुसार मंत्री की कोविड-19 जांच रिपोर्ट भले ही 5वीं बार पॉजिटिव पाई है, लेकिन उन्हें शारीरिक रूप से कोई समस्या नहीं है। उनकी स्वास्थ्य स्थिर है। चिकित्सकों की टीम की देखरेख में उनकी चिकित्सा की जा रही है। इस दौरान कई बार खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनका हालचाल लिया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना व्यक्त की है। सिलीगुड़ी के संतोषी नगर इलाके में देह व्यापार करने के आरोप में कई लोगों को खालवाड़ा पुलिस चौकी की पुलिस ने किया गिरफ्तार। संतोषी नगर इलाके में स्थित एक घर में देह व्यापार का धंधा चल रहा था, ऐसा संदेह स्थानीय लोगों को काफी पहले से था। आरोपी की घर भाड़ा लेकर देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं था। यही कारण है कि लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन रविवार सुबह को लोगों को संदेह हुआ और उन्होंने कोऑर्डिनेटर दुर्गा सिंह को फोन किया और कोऑर्डिनेटर दुर्गा सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को सूचित किया। खालपड़ा पुलिस चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शनिवार को यहां पर 20 से 25 लोग विभिन्न जगह से आए हुए थे। यह धंधा काफी दिनों से चल रहा था और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अपने धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को कानूनी मान्यता देने की मांग में आज 22 नवंबर से आदिवासी समाज ने शुरू की 9 दिवसीय पदयात्रा। कुछ दिन पहले झारखंड में आदिवासी समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मान्यता देने के लिए झारखंड का विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया था। इस विशेष सत्र में आदिवासी समाज के धर्म और संस्कृति से जुड़े विशेष बिल पास किया गया और इसको केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। डुअर्स के आदिवासी समाज भी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार भी आदिवासियों के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मान्यता देने के लिए विशेष सत्र बुलाए और विशेष बिल पास कर केंद्र सरकार के पास भेजा जाए। इसी मांग को लेकर आज आदिवासी समाज के द्वारा कुमारग्राम ब्लॉक के राइडक चाय बागान के मैदान में एक विशाल पदयात्रा शुरू की गई। अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए शुरू यह पदयात्रा डुअर्स के विभिन्न इलाकों का भ्रमण करेगी और 9 दिनों के बाद जलपाईगुड़ी के एलनबाड़ी चाय बागान में समाप्त होगी। तो आज का जो रैली है राडक चा बागान से लेकर हम लोग का इलानबाड़ी तक हम लोग का रैली पद यात्रा करके जाना है। तो विशेष मुद्दा है हम लोग का कि आदिवासियों का धार्मिक पहचान नहीं मिला है, इसलिए हम लोग आदिवासियों प्रकृति को पुजारी है, उनको पूजा करते हैं, उनको सेवा करते हैं। इसलिए हमारा धर्म है सरना, तो सरना कोर्ट के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं इस रैली के माध्यम से। हम लोग बंगाल के मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग अनुरोध करते हैं, जिस तरह झारखंड राज्य में सरना धर्म कोर्ट को विशेष सत्र बुला करके बिल पारित करके केंद्र को भेजा, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग करते हैं कि हमारे जो मुद्दा है सरना धर्म कोर्ट, उनको विशेष सत्र बुला करके हमारे धर्म कोर्ट को पारित करके केंद्र में भेजे। राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा भारत उत्तरबंग आंचलिक कमिटी पक्ष हिते तथा तोरई एवं डुअर्स जुब कमिटर पक्ष हईते आदिवासी धर्मकोट सरना धर्मकोट के लिए उद्योगे आज के रायडाक चा बागान थे एक पुजोजात्रा 7 दिन व्यापी आज के तार शुभारम्भ। हमारा आदिवासी तथा भारतवासी प्रकृतर पुजारी पाखी
গাছপালাকে আমরা পূজা করি এবং আমাদের এটা আলাদা একটা সংস্কৃতি আছে, আমাদের আলাদা ধর্ম আছে, ধর্ম ছিল যেটা বিগত কয়েক বছরে সেটা বিলুপ্ত হতে হতে আজকে আমরা আমাদের যে ধর্ম কোড যেটা ভারতীয় সংবিধানে যেটা আজকে আমরা অন্যান্য রূপে যেটা পরিচিতি হয়েছি তার প্রতিবাদে আমরা আজ থেকে সারা ভারতবর্ষে যে আদিবাসীরা একটা ধর্মের জন্য যে একটা আন্দোলন এবং আড়লন সৃষ্টি করেছে তার একটা ধর্ম কোডের জন্য এত বড় একটা পদযাত্রা এত বিশাল একটা র্যালির মাধ্যমে আমরা পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে একটা মেসেজ দিতে চাই কি আমাদের যে ধর্ম কোড আমাদের যে দাবি আছে আমাদের যে সংস্কৃতি আছে এবং আমাদের যে ধর্ম ধার্মিক পরম্পরা আছে সেটাকে বজায় রাখার জন্য একটা অনুরোধ আমরা এই মেসেজের মাধ্যমে আমরা গভর্নমেন্টকে পাঠাতে চাই। বিগত দিনে আপনারা দেখেছেন আমাদের আদিবাসীদের জন্য ঝাড়খণ্ডে একটি বিল পাস হয়েছে, আমরা পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের জন্য আমরা দিদির কাছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের কাছে আমরা একটা অনুরোধ থাকবে আমাদের কি সেইভাবেই এখান থেকে একটি বিল পাস হয়ে যাতে কেন্দ্রতে পাঠানো হয় যাতে আমরা আমাদের যে সংস্কৃতির যে পাচান যেটা সেটা আমরা পেতে পারি। फुलवाड़ी में स्थित भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित इमिग्रेशन सेंटर फिर से खुला। कोरोना वायरस के उत्पन्न परिस्थितियों के कारण देश में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो सिलीगुड़ी के फुलवाड़ी स्थित भारत बांग्लादेश सीमा के इमिग्रेशन सेंटर को बंद कर दिया गया था, तभी से इमिग्रेशन सेंटर बंद है। लेकिन वर्तमान में कोरोना का कहर कुछ कम होने के बाद इमिग्रेशन सेंटर को खोल दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यवसायी और विद्यार्थियों और मरीजों की समस्याओं को ध्यान में रखकर प्रशासन की तरफ से इमिग्रेशन सेंटर खोल दिया गया है। हालांकि इमिग्रेशन सेंटर में कोविड-19 के सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। एक व्यवसायी ने बताया कि इमिग्रेशन सेंटर बंद होने से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब यहां समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। हमें जाती अखन बांग्लादेश बिजनेस विषयते जाती समस्या तो अनेक छिलो बिजनेस करते पारछिलाम ना हमारे बेसिकली इम्पोर्ट करी बांग्लादेश थेके आमी गार्मेंट्स इम्पोर्ट कराई तो हमारे बिजनेस अलमोस्ट बंद हो गेछिलो सैम्पल देखते पारछिलाम ना एदिके जरा माल सप्लाई करी जादेरके तादेर असम्भव असुविधा होच्छिलो এখন খুলেছে, দেখা যাক এটা কি হয় ভবিষ্যৎটা। খুবই আনন্দ হচ্ছে এটাতে খুলে যাওয়ার জন্য যে যা জীবন তো কিছুটা হলেও সচল গতিতে চলে আসছে, আবার আগের সময়টা পেয়ে যাচ্ছি আশা করবো। এখন এতদিন চালাচ্ছিলাম হোয়াটসঅ্যাপ আছে, হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কলিং ফটো শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে আমাদের বিজনেসটা চলছিল, দুটোই ঘুরতেও যাচ্ছি ব্যবসার কাজেও যাচ্ছি বরাবরই যাই একসঙ্গে, আমরা দুজন একসঙ্গেই যাতায়াত করি। খুবই আনন্দ লাগছে এতদিন পরে যেতে পারছি, ওইদিকে আমাদের আত্মীয় স্বজন সব আছে, ব্যবসার কাজ তো আছে, এই ঘোরাঘুরিও তো হয় তার সঙ্গে, এক সপ্তাহ সপ্তাহখানেকের জন্য যাচ্ছি। सिलीगुड़ी में भारत विकास परिषद शाखा का हुआ उद्घाटन। भारत विकास परिषद की एक शाखा का आज सिलीगुड़ी में विधिवत उद्घाटन किया गया। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए भारत विकास परिषद 1963 साल से समाज सेवी संस्था के रूप में देश भर में कार्य कर रही है। सिलीगुड़ी के अग्रसन रोड में स्थित भारत विकास परिषद के कार्यालय का आज विधिवत उद्घाटन किया गया। इस बीच उद्घाटन कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार गुप्ता, सचिव कैलाश कंदोई, प्रोजेक्ट चेयरमैन संजय गोयल, कोषाध्यक्ष संजीव अग्रवाल के साथ संस्था के विभिन्न कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस बीच संस्था द्वारा बताया गया कि उनकी संस्था समाज कल्याण से जुड़े कार्य करती है, वहीं लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा भी करती है। इस बीच कहा गया कि वे भविष्य में उत्तर बंगाल के कई और शहरों में भारतीय विकास परिषद की शाखाएं खोलने के विषय पर विचार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश को 5,55,500 करोड़ की दी सौगात। 42 लाख ग्रामीणों को घर पर मिलेगा साफ पानी। यूपी में 42 लाख आबादी को फायदा पहुंचाने वाली 5,55,500 करोड़ की 23 ग्रामीण पाइप पेयजल योजना की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा जब विंध्याचल के हजारों गांवों में पाइप से पानी पहुंचेगा तो इससे भी इस क्षेत्र के मासूम बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा, उनका शारीरिक और मानसिक विकास और बेहतर होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य कार्यक्रम स्थल सोनभद्र जिले के विकास खंड चतरा की ग्राम पंचायत करमाओं में शामिल हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मिर्जापुर में 9 और सोनभद्र में 14 परियोजना शुरू करने जा रही है, जिससे 42 लाख ग्रामीणों को हर घर
नल योजना की सौगात मिलेगी। जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अगले 2 साल के भीतर योजना को पूरा कर गाँव में पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। सिलीगुड़ी में चोरी के सामान के साथ एक युवक गिरफ्तार। भक्तिनगर थाना पुलिस ने चोरी के सामान के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक का नाम नीताय राजवंशी उर्फ पोचा है। मिली जानकारी के अनुसार शास्त्री नगर के घर के मंदिर से 20 नवंबर को पूजन सामग्री चोरी हो गई थी। इसके बाद चोरी के संबंध में भक्तिनगर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। दर्ज मामले के आधार पर जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी युवक को बीती रात गिरफ्तार किया। आरोपी युवक के पास से पुलिस ने चोरी के सामानों को भी बरामद कर लिया है। आज आरोपी युवक को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ latest technology के साथ सभी brand की गाड़ियों की servicing होती है। 20 minute में ही car wash, in-house automatic color बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही call कर appointment book कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF Road, Salugada, Siliguri। मलाई कोल्ड कफ भएको थियो हो, मलाई यहाँको डबल बेड सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्यागमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले त धेरै सन्चो छ, खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने, त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा सपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPUC डुअर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 0359223250। 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। अप्लाई फॉर 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country, separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज, सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिंपोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता, गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस, और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टेक्ट नंबर 9193208031, व्हाट्सएप कॉल 8388778 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्रीश्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए श्रीश्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टेक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जीन्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, सेकंड फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 8348888881 या 9324953328। के लिए SK Live ही बेस्ट ऑप्शन है। SK Live का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन,
एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बंगाल सफारी में मस्ती करता दिखा तेंदुआ। नवंबर महीने के अंत होते होते उत्तर बंगाल में सर्दी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। सुबह घने कोहरे से आसमान ढका रहता है व शाम को सूरज ढलने के साथ ही ठंड का एहसास होने लगता है। इससे जहां शहर में लोग अब स्वेटर लगाने व छोटे मोटे पर्यटन का आनंद लेने लगे हैं, वैसे ही शहर के बीचों बीच महानंदा अभयारण्य में बंगाल सफारी में भी जीव जंतु को ठंड का आनंद लेते देखा जा रहा है। कहीं बाघ धूप सेक रहे तो कहीं कहीं तेंदुआ बड़े बड़े पेड़ों पर अपने पंजों का निशान व शरीर का गंध छोड़ रहे हैं। पशु विशेषज्ञों के अनुसार जंगली जानवर अपने साथी को आकर्षित करने के लिए पेड़ पौधों पर इस तरह के शरीर का गंध छोड़ते हैं। साथ ही इससे वे अपना इलाका भी सुनिश्चित करते हैं व अपनी प्रतिद्वंदी को इलाके में चुनौती देते हैं। शहर से थोड़ी दूर पर स्थित बंगाल सफारी में शहर व आसपास के लोग जमकर जंगल में इन नियमों व पशुओं के जीवन यापन के तरीके से रूबरू होने का खूब लुफ्त उठा रहे हैं। जलपाईगुड़ी के बैकुंठपुर पिंजरोपाल इलाके में गोपाष्टमी पर गौशाला में हुई पूजा अर्चना। जलपाईगुड़ी के पहाड़पुर ग्राम पंचायत के गौशाला में इस साल 109वीं बार गोपाष्टमी पर पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। साथ ही प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी गोपाष्टमी मेले का आयोजन किया गया। गोपाष्टमी के अवसर पर विधिवत तरीके से श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। इस मौके पर मौजूद लोगों ने गौशाला में गायों को चोकर व गुड़ खिलाया। मारवाड़ी समाज की ओर से संचालित इस गौशाला में करीब 250 गायें हैं। आज गोपाष्टमी पर विशेष अतिथि के रूप में वशिष्ठ उद्योगपति तथा तृणमूल कांग्रेस के जिला सभापति कृष्ण कुमार कल्याणी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। गौशाला पूजा को लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ गौशाला में जुटने लगी थी। मौके पर उपस्थित लोगों ने कहा कि प्रत्येक वर्ष गौशाला पूजा का आयोजन किया जाता है, इसके साथ ही गायों की बेहतर देखभाल पर चर्चा होती है। हालांकि इस बार मेले का आयोजन कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया गया था और कुश्ती का आयोजन नहीं किया गया था। 109तम गोपाष्टमी उत्सव कत 109 प्रति बचर ही আমরা এখানে এই গোপাষ্টমী উৎসব পালন করি। প্রতি বছর মেলা হয়, এখানে প্রচুর লোক আসে, এখানে জনসমাগম হয়। কিন্তু এবার তো কোভিড সিচুয়েশনের জন্য আমরা মেলাটা করছি না, কিন্তু আমাদের পারম্পরিক যে পূজা অনুষ্ঠানটা সেটা এখানে হবে। আমাদের বার্ষিক যে লেনদেনের হিসাব আমরা দেই অধিবেশনের থেকে সমস্ত সমাজকে, কেননা এই গোশালা চলেই হচ্ছে আমাদের সমাজে ডোনেশনের মাধ্যমে, তাদেরকে আয়ের হিসাব দিতে হয়। সারা বছর কী আমরা আয় করলাম, কি ব্যয় করলাম, সেই হিসাবটা দেওয়া হবে অধিবেশনের থ্রুতে। আর আমাদের কিছু দাতা আছে, সেই দাতারা এখানে কিছু কিছু প্রজেক্ট নিয়ে ওটা তৈরি করেছে, তাদের উদ্ঘাটন আজকেই হবে। যাতে এবং প্রত্যেকটা প্রজেক্টই হচ্ছে ওই গরুর কী করে ভালো থাকতে পারে, কী করে সুবিধা হয়, যেমন এই গ্লেজিং পার্ক, গ্লেজিং পার্কে আমরা খোলা রাখতে পারতেছি, একটা ডোবা যেখানে পাখি টাকিরা আসতে পারবে, ঘাস পাকচং ঘাস আমরা লাগিয়েছি যে গরুদের আমরা গ্রিন গ্রাস দিতে পারি। এটা আমাদের সামাজিক একটা কার্য, সেখানে আমরা গোপাষ্টমী উৎসব আজকে সারা ভারতবর্ষে হচ্ছে। গোপাষ্টমী অ্যাকচুয়ালি আমাদের জলপাইগুড়িতে পিঞ্জরাপোল গোসেবাটা আমাদের 109 বছরে পদার্পণ করল। প্রতি বছর এই দিনে আমরা এখানে সমাজ সম্পূর্ণ সামাজিক লোককে জমা করে আমরা এই উৎসবটা পালন করি। যেহেতু আজকে করোনা পরিস্থিতি করতে হচ্ছে, সেই জন্য আপনারা এত ভিড় দেখছেন না, একটু কম সামাজিক কিছু নেতারা রয়েছে, কিন্তু যখন একটা মেলা আকারে এটা এবার আমরা বাদ দিয়েছি বিকজ অফ করোনা পরিস্থিতি। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে করোনা পরিস্থিতিতে উৎসব হবে, কিন্তু উৎসবটা স্বাস্থ্যবিধি পরিকল্পনা করে করা উচিত, কারণ প্রথম মানুষকে স্বাস্থ্যকে বাঁচানো প্রথম দরকার। তাই আমরা সেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে করছি। এখানে অ্যাডেড করেছি 2 মাসের মধ্যে আমরা এখানে অনেক এই পুকুরটা যেটা দেখছি পাচ্ছেন, এটা আমাদের তৃতীয় দিনে মৃত্যুর পরে তৃতীয় দিনে একটা কাজ হয়, সেই কাজটা আগে আমাদের ওই
ইয়েতে হতো আপনার রাজবাড়িতে হতো সেটা এখন এখানে হবে এবং এই এলাকা যে এই গোচারণ ভূমি করা হয়েছে এটা ওপেনলি করা হয়েছে আগে গোগুলো ভেতরে থাকতো তাতে ওদের শারীরিক প্রবলেম হতো। दार्जिलिंग हिल मैराथन का आयोजन आज, सुपर मॉडल मिलिंद सोमन ने लगाई दौड़, समा बांधेंगे कैलाश खेर। दार्जिलिंग जिला पुलिस की ओर से हर साल की तरह इस साल भी दार्जिलिंग हिल मैराथन का आयोजन किया गया। यह आयोजन का 7वां संस्करण है और इसकी थीम जीरो वेस्ट है। आज यानी रविवार 22 नवंबर की सुबह हुई इस बार की मैराथन में मुख्य आकर्षक इसके ब्रांड एम्बेसडर सुपर मॉडल मिलिंद सोमन है। इस मैराथन के उपलक्ष्य में बॉलीवुड के जाने माने गायक कैलाश खेर अपनी बैंड कैलाशा के साथ समा बांधेंगे। मिलिंद सोमन ने इस मैराथन में देश के विभिन्न राज्यों से आकर भाग लेने वाले सैकड़ों प्रतिभागियों के साथ 15 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। देश में 24 घंटे में आए 45,000 नए केसेस, 501 संक्रमितों की हुई मौतें। भारत में कोरोना वायरस महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 91 लाख तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 45,209 नए संक्रमित मरीज रिपोर्ट किए गए, वहीं 501 लोगों की कोरोना वायरस से मृत्यु भी हो गई। अच्छी बात यह है कि बीता दिन 43,493 मरीज कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। कोरोना मामले बढ़ने की यह संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौतों की संख्या दुनिया में 5वें नंबर पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 90,95,000 हो गई है। इनमें से अब तक 1,43,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कुल एक्टिव केसेस बढ़कर 4,40,000 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसेस की संख्या 1,215 बढ़ गई। अब तक कुल 85,21,000 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 43,493 मरीज कोरोना वायरस से ठीक हुए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश में 21 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 13,17,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें करीब 11,00,000 सैंपल कल ही टेस्ट किए गए। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। देश के राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केसेस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही भारत में रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल देश में कोरोना वायरस से मृत्यु दर 1.47% है, जबकि रिकवरी रेट 93.70% है। एक्टिव केसेस 5% से भी कम है। सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस महाराष्ट्र में है। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 7वां स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। रिकवरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर है। दुनिया में कोरोना वायरस के 24 घंटे में 5.71 लाख नए केसेस किए गए रिपोर्ट, करीब 9,000 लोगों की हुई मौतें, अब तक 69% रिकवर हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 6 करोड़ के करीब पहुंच गया है। दुनिया के 218 देशों में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 5,71,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 8,879 लोगों की मृत्यु भी हुई। 13 नवंबर से सबसे ज्यादा 6.60 लाख केसेस आए थे और 19 नवंबर को सबसे ज्यादा 11,939 संक्रमितों की 24 घंटे में मौतें हुई थी। बीते दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। इसके बाद मैक्सिको, इटली, पोलैंड, भारत, रूस, ईरान, ब्रिटेन में मौतों के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 5,84,70,000 कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 13,85,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4,04,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 1,66,26,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है, उनका इलाज चल रहा है। कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी से मामले भी अमेरिका में बढ़ रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट किए गए। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में 91 लाख कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 45,000 मामले बढ़े। वहीं कोरोना वायरस से तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील में 24 घंटे में 32,000 मामले रिपोर्ट किए गए।
केंद्र सरकार ला रही है कोविन ऐप, कोरोना टीके का डेटा रखने में होगा मददगार। कोरोना वायरस महामारी के बाद कोरोना वैक्सीन का इंतजार हर कोई बहुत बेसब्र से कर रहा है। लोगों तक टीका आसानी से पहुंच सके इसके लिए केंद्र सरकार एक ऐप ला रही है। इसका नाम कोविन ऐप होगा। इसमें डेटा एकत्र हो जाएगा कि किसे टीका लगा है, कितना खरीदा गया, कितना वितरण हुआ और कितना भंडारण हुआ। साथ ही ये वैक्सीन प्राप्तकर्ता को पहले से सूचित भी कर देगा। सरकार का मानना है कि यह ऐप समय के आधार पर डेटा अपलोड करने के साथ ही डेटा प्राप्त करने में सहायक होगा। साथ ही जमीनी स्तर पर काम कर रहे अधिकारियों को सक्षम बनाएगा। इसके अलावा राज्यों द्वारा केंद्र को डेटा को उपलब्ध कराने में मददगार होगा। इस ऐप की भागीदारी में ICMR, स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष्मान भारत जैसी एजेंसियां शामिल है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों का डेटा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही ऐप एक टीकाकरण प्रमाण पत्र भी उत्पन्न करेगा और इसे डिजी लॉकर में संग्रहित करने का विकल्प प्रदान करेगा। गौरतलब है कि कोरोना वैक्सीन के आ जाने के बाद ही देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। लोग बिना डरे घर से बाहर आ सकेंगे, लेकिन इसके लिए डेटा होना बेहद जरूरी है। रिकॉर्ड रखना जरूरी है कि किसे वैक्सीन लगा। साथ ही भंडारण और वितरण को लेकर पारदर्शिता आएगी और लोगों तक टीका पहुंचाने में आसानी भी होगी। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब आयुर्वेद के डॉक्टर भी कर पाएंगे हड्डी, नाक, कान, गला और दांतों की सर्जरी। सरकार ने देश के डॉक्टरों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे मेडिकल समुदाय से जुड़े लोग भी हैरान हो गए हैं। इस फैसले के मुताबिक अब आयुर्वेद के डॉक्टर भी सर्जरी कर सकेंगे। सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेद के PG छात्रों को सर्जरी करने की इजाजत दी है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आयुर्वेद के डॉक्टर हड्डी रोग, नेत्र विज्ञान, नाक, कान, गला, ENT और दांतों से जुड़ी सर्जरी कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के अध्यक्ष ने कहा कि आयुर्वेद संस्थानों में ऐसी सर्जरी पिछले 25 सालों से हो रही है। नोटिफिकेशन सिर्फ यहां स्पष्ट करता है कि यहां सर्जरी वैध है। सरकार की ओर से 19 नवंबर को जारी इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आयुर्वेद के PG कोर्स में अब सर्जरी को भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही अधिनियम का नाम बदलकर भारतीय चिकित्सा केंद्र परिषद स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा संशोधन विनियम 2020 कर दिया गया है। आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों की ओर से लंबे समय से एलोपैथी की तरह अधिकार देने की मांग की जा रही थी। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब आयुर्वेद के छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही सर्जरी की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। छात्रों को शल्य तंत्र, शालकेय तंत्र, नेत्र, कान, नाक, गला, सिर और सिर दांत चिकित्सा का रोग जैसे डिग्री भी दी जाएगी। एक और जहां आयुर्वेद के डॉक्टरों में से लेकर खुशी है, वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का रुख इससे थोड़ा अलग है। IMA के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा का कहना है कि इससे चिकित्सा वर्ग में खिचड़ी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस फैसले से देश में मिश्रित पैथी की वजह से देश में हाइब्रिड डॉक्टरों को बढ़ावा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK Live। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।